आज चिक्स का फोर्थ डे है जी, चौथा दिहाड़ा है इनका, एंटीबायोटिक चलते हुए दूसरा दिन है। थोड़ी सी इसमें तक कुछ तब्दीलियां रोनमा होना शुरू हुई हैं। लाइक सबसे पहले इस दिन पे आप नोट करेंगे कि इनमें कुछ में वेंट पेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जो इनकी बीट वाला हिस्सा है जहाँ पे वेंट है इनकी, वहाँ पे हल्की हल्की पेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और उस पेस्टिंग की वजह ये भी होती है कि एक तो आप इसमें एंटीबायोटिक कोर्स चला रहे हैं, और दूसरा आप शुरू में दर्जा हरारत आपने 35-36 रखा, अब आपका दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा कम हो गया होगा, 31.5 पे 32 पे आप पहुँचाएँ। एक तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, दूसरा आपने इसके नीचे से वो ब्रूडिंग पेपर निकाल लिया, तीसरा इसकी जगह खोली आपने, चौथा आपने इसकी लाइट आप रिड्यूस कर दी है, और पाँचवें नंबर पर आप एंटीबायोटिक्स का वगैरह का कोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें छोटी मोटी तब्दीलियाँ होती रहेंगी। इसमें अब इसकी वेंट पेस्टिंग शुरू होगी, लेकिन इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, लेकिन उसके साथ ही आपने इसको हल्का भी नहीं लेना। ये जो वेंट पेस्टिंग होती है इसको आपने अपने हाथ से उतारना है बाद में, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बटन कहते हैं। तो इनको अपने अपने हाथों से उतारना होता है, चाहे आप उसके लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लें, या पानी के अंदर कॉटन को थोड़ा सा सोख करके फिर उसके ज़रिए आप इसको निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये आपने उतारनी लाजमी है, नहीं तो वेंट बंद होने की वजह से आप वो मज़ीद ड्रॉपिंग्स नहीं कर पाएगा, और जब बर्ड ड्रॉपिंग नहीं कर पाएगा तो उस वक्त फिर उसकी पेट में वो ब्लॉटेड हो जाएगा, उसका पेट फूल जाएगा और मज़ीद कुछ खा पी नहीं सकेगा, और फिर उसकी मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको ट्राई करता हूँ, मैं आपको दिखाऊँ कुछ पेस्टिंग वाले बर्ड यहाँ पर मौजूद है। ये इस तरह से, ये जब बाद में सॉलिड हो जाएंगी, इससे वाटरी पोर्शन जब ख़त्म हो जाएगा बाद में, तो हमने इसकी ये पेस्टिंग्स खुद उतारनी है। कुछ की अपने आप उतर जाती हैं और कुछ की हमें खुद उतारनी पड़ती हैं। अब ये बेबी डॉल से बहुत कम पानी पीता है, और ये अब वाटर लाइन्स की तरफ ज़्यादा आ गया है। आज का दिन मुकम्मल करके कल के दिन दोपहर को, यानी फिफ्थ डे पे हमने इसकी स्पेस बढ़ानी है, उसको कम से कम 0.5 स्क्वायर फुट पर बर्ड पे आपने करना है। अभी जैसे ही इसका दर्जा हरारत अब अगर 31.5 या 32 से ऊपर होना शुरू हो जाता है, 32.2 या 32.3 यहाँ पे पहुँचना शुरू कर देता है, तो उस वक्त आपने इसके पंखे लाजमी ऑन करने हैं, इसमें पर्दे वगैरह ऊपर करने हैं, या आपके पास कोई और वेंटिलेशन का सोर्स है, आपने वहाँ पे एयर कूलर रखे हुए, या आपने पंखे रखे हुए, पेडिस्टल फ़ैन है या सीलिंग फ़ैन है, कोई भी आप चला सकते हैं। मकसद आपका ये होना चाहिए कि अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने ना पाए, जो ना मैक्सिमम आप 32.1 यहाँ पे इसका टेम्परेचर रखें, अदरवाइज़ इसका मुंह खुलना शुरू हो जाएगा, और जो मुंह खुलने की नौबत जब आती है, तो ये आपको वीडियोस में मैंने बताया ही है कि ये बर्ड के लिए कितना नुकसान दे, और ख़ासतौर पे चूज़े के लिए बहुत नुकसान दे ये चीज़ है, कि अगर आप दर्जा हरारत को इस हद तक जाने दें कि उस बेचारे का मुँह खुलना शुरू हो जाए। दो से तीन दिन या 3 से 4 दिन इसका आपने एंटीबायोटिक कोर्स करना है, फिर इसके बाद आपको जल्दी से एंटीबायोटिक स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपने इनकी डिबीकिंग करनी है, और डिबीकिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है चूज़े की लाइफ में। आगाज़ में पहले 7 से 10 दिन तक सबसे बड़ा स्ट्रेस, वैसे तो आप इसकी जब भी हैंडलिंग करेंगे, जब भी आप इसको लाइट ज़्यादा देंगे, या इसमें अंदर फ्लशिंग करेंगे, या एंटीबायोटिक कोर्स करेंगे, या टीका लगाएंगे, चाहे वो बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन लगा रहे हैं आप ताकत के लिए, या आप टीके की फार्म में कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, या आप वैक्सीन दे रहे हैं चिक्स को, सारे ही स्ट्रेसेस हैं। लेकिन डिबीकिंग, जिसमें कि इसकी चूंच काटी जाती है, एक हॉट ब्लेड के साथ इसको लगाया जाता है, इससे बड़ा स्ट्रेस चूज़े की लाइफ में और कोई भी नहीं होता। तो इसलिए उस स्ट्रेस तक पहुंचते पहुंचते आपने इसको महफूज रखना है, आपने इसको कम से कम ये ताकत के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से, इसमें इतना कुछ होना चाहिए कि ये उस स्ट्रेस को सह सके। और जब भी आप डिबीकिंग करेंगे, डिबीकिंग करने से पहले आपने इसके सामने फीड नहीं होनी चाहिए, आपने इसको फीड नहीं डालनी चूँचे काटने से पहले। और जैसे ही आप, जब इसकी डिबीकिंग हो जाए, फिर इसके बाद आप इसके सामने फीड रखेंगे,
और फीड रखने के साथ साथ आप इसको विटामिन के देंगे। किसी किस्म के हाउस के अंदर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे ये जख्मी हो या इसको को ठोकर लगे। हाउस के अंदर कोई भी ऐसा चूज़ा ना हो कि जो दूसरे चूज़ों के साथ भाग दौड़ ना कर सकता हो। इस तरह के तमाम चिक्स आप अलादा कर लेने हैं आपने। मैं आज इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा कि जो चिक्स डिसेबल हो जाते हैं या जिन चिक्स की हालत ख़राब हो जाती है, आप उन चिक्स को ठीक कैसे करते हैं, आप उनके लाइफ सेविंग के लिए कौन कौन से ऑपरेशन ऐसे करते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने फ्लॉक को बाद में उसकी लिविबिलिटी को ठीक रखने के लिए। ये जो सामने की जनाब आप ये बेबी डॉल्स देख रहे हैं, इनको आपने हर दूसरे दिन मुकम्मल तौर पे साफ़ करके एक मरतबा धूप में लाजमी रखना है ताकि ये डिसइंफेक्ट हो जाएं, इनके अंदर से जरासीम ख़त्म हो जाएं। ये जो आप फीडर ट्यूब्स देख रहे हैं जिनमें हमने इनको फीड डाली हुई है, ये भी आपने हर दूसरे दिन इसमें से सारी फीड एक बार ख़त्म करके उसके बाद आपने इसको पहले धोना है। धोने के बाद आपने इसको सूरज की रोशनी में रखना है और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई भी डिसइंफेक्टेंट अच्छा सा स्प्रे करके, स्प्रे करने के बाद फिर ड्राई करके फिर हाउस में रखना है। और ये जो नीचे की जनाब आप लीटर देख रहे हैं, ये ब्रादा देख रहे हैं आप, इसके ऊपर हर रोज़ सुबह और शाम को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जाता है। इसकी डिसइंफेक्शन होती है, जरासीम कुशी होती है और मैं प्रेफर करता हूँ जरासीम कुशी इसकी फार्मालिन से। मैं ज़रा इसकी बहुत हल्की डोज से फार्मालिन स्प्रे मशीन में डाल के तो उसके ज़रिए इसकी बहुत अच्छी तरह से हम डिसइंफेक्शन करते हैं ताकि किसी किस्म के कोई जरासीम ना हो। इस वक्त पे एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है कि आपने इस वक्त पे अपने चिक्स को ये चूहे वगैरह और बिल्लियों से बचाना है। उसके लिए मुकम्मल बंदोबस्त होना चाहिए, कहीं से कोई जाली की लीकेज नहीं होनी चाहिए, दरवाज़ा किसी टाइम खुला नहीं होना चाहिए। आपके हाउसेज के अराउंड आगे पीछे चूहा हंट मिशन, रैट हंट मिशन लाजमी होना चाहिए। बिल्ली का कोई वजूद ना हो ऐसी जगह पे, क्योंकि एक मरतबा अगर कोई बिल्ली या चूहा या सांप या न्योला इस तरह की कोई चीज़ आपके हाउस के अंदर घुस गई तो उसने बहुत तबाही फेरनी है। वो खाएगी, चूज़े खाएगी कम, उनको डरा डरा के भगा भगा के मार देगी। वो भी इतना हैवी किस्म के तनाव के अंदर आपका बर्ड आ जाएगा कि वहाँ से उसको रिकवर कराने के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाली है। और आने वाले कुछ दिनों में उसने फीड भी उस तरह से नहीं खानी, पानी भी उस तरह से नहीं खाना और आपको नुकसान क्या होने वाला है कि आप उसका बॉडी वेट जो है ना हफ्ते के एंड पे वो वाला अचीव नहीं कर पाएंगे, वो वाला हासिल नहीं कर पाएंगे जिसकी आप, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तगो दो कर रहे हैं। ये ऐसे बिल्कुल अलर्ट हो जाते, ऊपर की जनाब देखना शुरू हो जाते जब आप इस तरह की आवाज़ें निकालते। ये आप देख रहे हैं इनकी मूवमेंट देख रहे हैं, जो चूज़ा ठीक नहीं होगा, जो चूज़ा बेहतर नहीं होगा वो इनमें शामिल ही नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इनकी, इनके अंदर फ्लाइट भी आती जाएगी, ये जंपिंग करना शुरू कर देंगे। कम से कम 5-5, 6-6 फुट ये हवा के अंदर ये इनकी फ़्लाइट होगी, क्योंकि इनके आस्ता आस्ता जो पर हैं इनके वो बड़े होते जा रहे हैं। ये सारा दिन इनका बिहेव होना चाहिए, राइट से लेफ़्ट साइड पे जाएं, वहाँ पे जाके थोड़ी देर रेस्ट करें, फिर लेफ़्ट से राइट साइड पे, इस तरह की इनकी सारा दिन रेस लगी होनी चाहिए।